रानी देवी हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, हमें दर्शन दो। रानी देवी हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, हमें दर्शन दो। जिया मत बुला मत बुला। ये रानी देवी भूल गई है ना, दो दिन बाद उल्टा हम उन पर भड़केंगे। क्या आप क्यों नहीं आई? रानी देवी आ गई। रानी प्रणाम। रानी देवी खुश रहो। प्रणाम रानी देवी। जिया जल्दी से बोलना, लड्डू तुम्हें बनवाना वरना मैं फंस जाऊंगी। बोल ना। हाँ क्या गुजर पुसर चल रही? बोला चेहरा मुस्कुराहट, बोला चेहरा मासूमियत। चल चल जिया। हाँ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो रानी दीदी ये लड्डू वो मैं जिया मैं आज लड्डू नहीं खाऊंगी। हाय मर गई, मेरा उपवास है। मैं अगली पूरनमासी को आकर खूब लड्डू खाऊंगी। ठीक है, तब तक मम्मी भी आ जाएंगी। जिया मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। ये लो। रानी देवी ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ इसे छूकर जब भी तुम इच्छा करो तुम परिस्तान आ सकती हो, मगर किसी इंसान को साथ में मत लाना, फिर तुम वापस कभी नहीं जा सकोगी, ना वो इंसान। रानी देवी क्या मैं आपसे रोज मिलने आ सकती हूँ? हाँ जब तुम चाहो तुम मुझसे मिलने आ सकती हो, परिस्तान आ सकती हो, मगर ये जादू तुम अपने कमरे में करना, क्योंकि जब तुम वहां पर होगे तो कोई भी इसे छुएगा ना वो परिस्तान आ जाएगा। अच्छा। और सुषमा की बच्ची तुमने जो हरकत की है ना कल उसकी सजा मिलेगी तुमको। नहीं नहीं रानी देवी, वो जो पुडलू ने किया ना वो मेरे कहने पे किया, उसकी कोई गलती नहीं है, आप उसे ना माफ कर दो। उससे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि जो गलती करता है और जो गलती करवाता है दोनों ही गुनहगार। मर गई। जिया ये पैम रेडी होकर आ भी गई है हमारे साथ पिकनिक जाने। ओह नो, यानी कि अब इस पैम की बच्ची को भी अपने साथ पिकनिक पर ले जाना पड़ेगा। ऐसे कैसे जाने देंगे? तुम एक काम करो, तुम कंबल ओढ़कर बैठ जाओ। इनफैक्ट तुम कंबल ओढ़कर लेट जाओ, कह देना कि सिर पे मोच आई है या पैर में बुखार, ऐसे कुछ झूठ बोल देना प्लीज। नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगी। कम ऑन जेट्स, डैम इजी, भगवान ने इतनी भोली सूरत दी है कुछ तो फायदा उठाओ। नहीं जिया कम ऑन, मुस्कुराकर तुम भोली सूरत बनाकर कुछ भी कहोगे तुम्हारी बात कोई नहीं मान लेगा। नाउ अगर तुम चाहो तो लगा लो शर्त। ध्रुव तुम प्लीज मेरी नानी से ना कुछ दिन दूर रहना। क्या क्या कह रही हो तुम? तुम ये रुको मैं देखकर आता हूँ, पैम तो नहीं आ रही। रानी देवी काश मैं अपने साथ ध्रुव को भी आपके पास परिस्थान ला सकती थी, ताकि आप अपने अच्छे संस्कार इसमें भी डाल सकें। ओह माय गॉड ध्रुव, अरे ये क्या हो रहा है? लगता मैं परिस्थान आ गई हूँ, लेकिन इसका मतलब कि ध्रुव भी मेरे साथ यहाँ पर आ गया है। अब मैं क्या करूँ? यहाँ पर तो नानी भी नहीं है मेरी मदद करने के लिए, और अगर रानी देवी ने ध्रुव को मेरे साथ देख लिया तो ओह माय गॉड, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? जिया जिया अब मैं ध्रुव से क्या कहूंगी? लगता है भोलेपन का फायदा उठाना ही पड़ेगा। ध्रुव ध्रुव ये हम कहाँ आ गए? मैं तुम्हें पूछना चाहता था ये हम कहाँ आ गए। मैं मुझे नहीं पता कि हम कहाँ हैं। सच ध्रुव सच, मुझे नहीं पता। सच नहीं जिया, ये तो सपना है सपना, लेकिन जानती हो मैंने ये जगह कई बार अपने सपनों में देखी है, और हम दोनों यहाँ आ चुके हैं मेरे सपनों में। सच ग्रुप के बगैर? क्या? हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो जिया देखो, बिल्कुल ऐसा ही तो था। हाँ बस यहाँ कांच की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ब्रिजेज हुआ करती थी, वो नहीं हमारे इस सपनों के शहर में। हाँ वो सब शायद हार्ट ऑफ द सिटी में होंगे ना। मुझे ऐसा लगता है कि हम शहर के बाहर किसी रूरल एरिया में आ गए हैं, सपनों के शहर के बाहर। इट्स ऑल राइट, बस वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है, यही रह जाए। मगर किसी इंसान को साथ में मत लाना, फिर तुम वापस कभी नहीं जा सकोगी, ना वो इंसान। वैसे भी ध्रुव अब यहाँ से वापस जाना तो इम्पॉसिबल है। क्यों? मेरा मतलब है कि सपनों के शहर को छोड़कर वापस कौन जाना चाहेगा, है ना? You're right.
लेकिन एक काम करते हैं, ये मोमेंट को यादगार बनाने के लिए हम दोनों एक दूसरे को कुछ गिफ्ट करते हैं ताकि जिंदगी भर याद रहे। हम ये दो फूल एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, क्यों? नहीं। ये कौन बोला? ये आवाज कहाँ से आई? हम बोल रहे हैं। हमें मत तोड़िए, हम कल ही खिले हैं और आज ही I don't believe this. क्यों नहीं? सपनों में तो कुछ भी हो सकता है, anything's possible. So anyway, चलो जिया। ध्रुव, उस तरफ मत जाओ, वो गलत रास्ता है। क्या रानी देवी का घर इसी तरफ है? नहीं। अच्छा, ठीक है, चलते रहो, मैं भी आ रही हूँ। राजा, सुनो ना मेरी बात, ऐसे क्या करते हो तुम हमें? क्या बात सुनूं तेरी? हाँ, तुझमें बिल्कुल अक्कल नहीं है। पैम को क्यों बताया कि हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं? क्यों बताया? राजा, तुम मुझ पे गलत सवाल इल्जाम मत लगा। मुझ में बहुत सारी अक्ल है, वो तो मैंने जानबूझ के यूज नहीं की थी। क्यों यूज नहीं की थी? तुम तो कहते हो ना हमेशा अपनी अक्ल यूज मत किया करो। जिया। क्या हुआ नानी? जिया है? हाँ, अपने रूम में। अच्छा, हम जाए? जाओ। ओके नानी। जिया। जिया। राजा, ये देखो क्या है। वाह, क्या है? कितना ब्यूटीफुल है ना? यहाँ जरूर और कोई होगा। अरे कोई है? राजा, मीता, तुम लोग यहाँ मेरे सपने में, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे ध्रुव, ये सपना नहीं है, ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग। पहले मैं यहाँ आई और फिर मेरा प्यार मेरे राजा को भी खींच लाया। हेलो गाइस, पैम, तुम यहाँ? इसका मतलब ये स्वर्ग नहीं हो सकता। देखा, तुम लोग मुझे अवॉइड कर रहे थे ना, मैं यहाँ भी तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। लेकिन पैम, तुम यहाँ कैसे चली आई? अरे हम लोग सब यहाँ कैसे आई, ये क्या जगह है यार? नहीं पता, ये परिस्थान है, परियों का देश, मुझे सब पता है। अरे, ये सब इसे कैसे पता चला? लेकिन पैम, ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं परी हूँ। झूठ, झूठ बोल रही है ये। झूठी? परियों की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो खुद कभी नहीं कहती कि वो परी है। कौन बोल रहा है? मैं। इधर देख मूर्ख लड़की, अपनी बाई तरफ। हाँ, अगर तुम्हें परी बनना है तो मुझे सुन ले। सच? नहीं नहीं पैम, इसे मत सुनना, वरना जरूर तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगी। जिया, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहते कि मैं परी बनूं, लेकिन मैं परी जरूर बनूंगी। पैम देवी को मक्षिका का हिम भ्रिम श्रिम क्लिम। मक्षिका, मुझे परी बनाओ। हट, पगली, परी बनना कोई आसान काम है क्या? मैं खुद सदियों से डायन बनी पड़ी हूं। हाँ, मगर मैं तुम्हारी सेवा जरूर करूंगी। ये डायन मक्षिका आज से तुम्हारी गुलाम है, क्योंकि रानी देवी की कैद से तुमने मुझे मुक्ति दी है। फूल को सुनकर
यहाँ कोई परी है क्या? यहाँ कोई परी है क्या? मुझे परियों से नफरत है। बोलो कौन है परी तुम में से? मैं सबको भस्म कर दूंगी। श्रिम रिम रिम रिम। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, इन्हें कुछ मत करना, मैं ही परी हूँ। परी? 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 सॉरी गाइस, मैंने आज तक तुम सबसे छुपाए रखा कि मैं एक परी हूँ। ओ, तभी तुम हर बार मुझसे जीत जाती थी। मक्षिका, इस पर शोले बरसाओ। श्रिम रिम रिम क्लिम। सीधे आकर आग के घर से जलते शोले इन पर बरसे। श्रिंग भ्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। शोलों में से आगुल हो जाए, सारे शोले फूल बन जाए। अरे आज मेरा जादू सही कैसे हो गया? शायद मैं परेशान में हूँ इसीलिए। अरे मक्षिका जल्दी कुछ करो, कुछ करो। जिस तरफ है मैंने हाथ किया वो लड़की बन जाए चूहिया। राजा भी तो थोड़ा से भाग चलो। काम देवी तुम मेरे साथ मेरे अड्डे पर चलो, वहां जादू से इन लोगों को भी बुला लेंगे, फिर देखना मेरा कमाल। ठीक है, तुम मुझे उठा के ले चलो। एक थप्पड़ मारूंगी, दोबारा कभी ऐसा मत कहना। चुपचाप चल मेरे पीछे। ये मेरा अड्डा है, यहाँ मुझसे कोई नहीं जीत सकता। मर गए, मैंने कहा था ना इस मीता की बताई जगह पे मत चलना, फंस गए ना। सॉरी, फिर से नहीं चीखूंगी। चीखने के लिए जिंदा रहेगी ना तब। प्रीम प्रीम क्रीम रीम। रुक जाओ मक्षिका, देखो इन्हें प्लीज कुछ मत करना, परी तो मैं हूं ना, तुम्हें जो भी करना हो मेरे साथ करो। हाँ ये भी ठीक है, मैं तुम्हारी जादुई शक्तियां हड़प कर तुम्हें पूल में कैद कर देती हूँ। नहीं, इसे फुटबॉल बना दो, कॉलेज में बच्चे इसके साथ खेलेंगे और ये ठोकरे खाते हुए मुझे और ध्रुव को आते जाते देखा करेगी। चुप कर मूर्ख, ये जादू मैं तेरे लिए नहीं अपने लिए कर रही हूँ। ओ शट अप, तुम मेरी गुलाम हो, जैसा कहती हूँ वैसा करो। चुप कर, वरना इसका काम तमाम करने से पहले मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। सबसे पहले मैं इन्हें ठिकाने लगा देती हूँ, उसके बाद मैं इसे ठिकाने लगा दूंगी। जिया, जिया, I'm very sorry, please मुझे बचा लो। ये मेरा अड्डा है लड़की, यहाँ मेरी जादुई शक्तियों का सामना नहीं कर पाएगी। ये देख, ये क्या हो रहा है? कौन है? सामने आओ। मैं हूँ। नानी, अरे ये सब बच्चे लोग यहाँ कैसे? नानी आप यहाँ कैसे? पुडलू छोटा पर अकल बड़ी है, नानी यहाँ मेरी वजह से खड़ी है। तेरी ये मजाल, ये देख, ये देख। चलो अब चलते हैं रानी देवी के पास। परियों की रानी से मैं करती प्यार, उठ जा रानी, बच गए चार। ये सपना नहीं है। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम यहाँ तक आ गई? वन मिनट, पहले आप इसे संभालिए, अब आप मुझे नहीं मैं आपको डांटूंगी। आप यहाँ आराम से घोड़े बेचकर सो रही हैं और वहां मक्षिका जिया की जान लेने वाली थी, मैंने उस डायन को इसमें कैद कर लिया है। अरे जिया कैसी है? अच्छी है, मैंने बचा चो लिया ये। जिया तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई उस डायन ने तुम्हें? नहीं नहीं रानी देवी कुछ नहीं हुआ, अच्छा है कि नानी सही वक्त पर आ गई और मुझे बचा लिया। सुषमा मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया? नहीं नहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं रानी देवी, बस आप इतना कह दीजिए कि जिया को बचाने के लिए आपने मुझे और पुडलू को माफ कर दिया बस। अच्छा जाओ, मैं तुम दोनों को माफ कर दिया। रानी देवी वो ना एक और छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम जिया? राजा मीता ध्रुव जल्दी इधर आओ। ये एक नहीं ये चार चार प्रॉब्लम। मैंने तुमसे कहा था जिया कि अगर इंसान परिस्थान आ जाए तो वापस नहीं जा सकता। रानी देवी प्लीज वापस भेज दीजिए ना। अरे नहीं सुषमा, इन सबको हमारा राज पता चल गया है। वो तो मैं यूं ठीक कर दूंगी ना। हैं?
कैसे? हाँ कब कहाँ थे? अरे हाँ, हम तो पिकनिक पर जाने वाले थे। तो बता भाई, पिकनिक कहाँ जा रहे हैं? और क्या इस पैम को साथ लेके जाना पड़ेगा? हेलो, तुम में से कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मेरा नाम क्या है? आप लोग सब कौन हैं? नानी, ये सब क्या हो रहा है? Don't tell me. मुझे लगता है फरिश्तान की याददाश्त के साथ साथ मैंने इनकी पूरी याददाश्त को गुल कर दिया। Oh no, नानी।